हार्ट अटैक के बढ़ते मामले यंग जनरेशन के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। एक के बाद एक आ रहे केसेस से एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। आखिर क्यों युवा पीढ़ी का दिल धोखा दे रहा है? आखिर क्यों हंसते खेलते हुए ही लोगों की जान जा रही है? इस रिपोर्ट में देखिए। बैडमिंटन खेलना सेहत के लिए फायदेमंद है और फिट रहने के लिए कई लोग बैडमिंटन का सहारा लेते हैं, लेकिन नोएडा स्टेडियम में एक ऐसी घटना हुई जिसे देखने वाले और सुनने वाले सभी हैरान हैं। नोएडा के सेक्टर 55 में रहने वाले 50 साल के महेंद्र शर्मा शौक के तौर पर बीते 7-8 साल से बैडमिंटन खेल रहे थे। रोज की तरह ही शनिवार की सुबह 7 से 8 बजे के स्लॉट में वो बैडमिंटन खेलने स्टेडियम पहुंचे। खेलते वक्त उनके सीने में दर्द हुआ, बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। महेंद्र शर्मा की मौत के बाद अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर हंसते खेलते कैसे दिल की धड़कन रुक गई? आखिर क्यों इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं? रिसेंटली डेटा आया है, ICMR की एक नई स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें बताया गया है कि इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और डायबिटीज हार्ट डिजीज का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा और बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि स्मोकिंग, पुअर ईटिंग हैबिट्स, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो ये सारे जो लाइफस्टाइल इंडिसेस हैं, इनकी जो प्रेवलेंस है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से हार्ट डिजीज जो है वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। अचानक हार्ट अटैक आने से मौत के बढ़ते आंकड़े डराने वाले हैं। अभी 7 जून को ही गुजरात के जामनगर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया था। यहाँ लोगों के दिल का इलाज करने वाले एक फेमस डॉक्टर गौरव गांधी की मौत हार्ट अटैक से हो गई। 41 साल के गौरव गांधी ने 16,000 से ज्यादा हार्ट की सर्जरी की थी। कम उम्र में ही दिल का दौरा पड़ने के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए CMR भी रिसर्च कर रहा है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कैसे और किस तरह से लोगों के दिल को इस नए खतरे से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। ज़ी न्यूज़।